हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ठीक है, बहुत ही आसान नोट्स हैं सर यहाँ पे। ठीक है, और ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलना है बी डी केडियन बीएससी टेलीग्राम चैनल पे। आप जाएंगे और आराम से सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। नॉन स्टॉक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग स्टार जेली, ठीक है, ट्रॉल्स बटर, ये सारी चीजें भी कहते हैं, इन्हीं नामों से जानते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखिए ऊपर लिख दिया क्लासिफिकेशन, इसका डिवीजन पता चुके हैं आपको पिछली वीडियो। अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है बी डी केडियन पे, हमने पूरी केमिस्ट्री बना दी है, फिजिक्स बन गई है, लगभग महाक्लास के जरिए उसे पूरा करा रहे हैं, और ये भी आपका काम पूरा करा रहे हैं। इसमें टॉपिक ही बड़े-बड़े हैं सर, ठीक है। हालांकि हम देखेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो बाद में सब कंबाइन करके अंधाधुंध एक ही वीडियो में चला देंगे, लेकिन इसमें आपको लिख के याद करना है ज्यादातर चीजें सर, ठीक है। अब जैसे अगर हम आपको समझा रहे हैं कि ये क्लोरोफाइटा में आता है, तो क्लोरोफाइटा आपको सर याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम इसके बहुत ज्यादा लक्षण बताएं, डिटेल में अंदर घुसें, ठीक है। तो कुल मिला के यही है, नॉन स्टॉक क्या है, क्लोरोफाइटा में आता है, इसका सब डिवीजन एल्गी होता है एक प्रकार का, सबको पता है, ठीक है। माइसोफाइसी और इसकी जो फैमिली होती है वो होती है नॉस्टोसिया, ठीक है सर। आइए देखते हैं, सबसे पहले नॉस्टॉक जो है एक फिलामेंटस एल्गी है सर, ठीक। फिलामेंट का मतलब तो तंतु टाइप, तंतु समझते हो यार, सरल भाषा में आपको कैसे तंतु बताया, यार बल्ब देखा, बल्ब के अंदर जलता है उसे भी फिलामेंट ही बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, तंतु टाइप समझ लो, ठीक है। जो कॉलोनिकल फॉर्म में मिलते हैं, कॉलोनिकल मतलब कॉलोनी की फॉर्म में मिलते हैं, इकट्ठे, कॉलोनी तो समझते हो गए, ज्यादा घर इकट्ठे करते तो कॉलोनी बोल दिया उसे, तो कॉलोनिकल फॉर्म में मिलते हैं तथा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, शुद्ध पानी में सर, ठीक है। तथा इनकी कॉलोनीज वाटर के ऊपर तैरती रहती है, यानी जो इनका ग्रुप होता है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तथा कुछ जातियां अर्थ सरफेस पर और कुछ एल्केलाइन भूमि में पाई जाती हैं, यानी कुछ क्षारीय मिट्टी में पाई जाती हैं। क्षारीय मिट्टी आप समझते हो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, जिनमें ये सब होता है, क्षारीय होती हैं, एल्केलाइन होती हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस पर भी पाई जाती हैं। इंडिया में लगभग 26 जातियां इसकी होती हैं। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। इसकी प्रमुख जातियां कौन कौन सी हैं, नॉस्टॉक स्फेरिकम है, नॉस्टॉक कोलेमा है, दो इसकी जातियां होती हैं नॉस्टॉक की, और ये लगभग 26 जातियां यहां पे पाई जाती हैं, इनकी प्रमुख दो हैं सर। बाहर से देखने पर नॉस्टॉक एक बॉल के समान दिखाई देता है, गेंद के समान, तथा इसकी प्रत्येक कॉलोनी में आपस में लिपटे हुए फाइबर होते हैं। फाइबर फिलामेंट लगभग एक ही चीज होती है सर, ठीक है, लगभग क्या होती है, जिन्हें फाइबर को हम लोग ट्राइकॉम कहते हैं, ठीक है। इसकी सेल स्फेरिकल या अंडाकार होती है, गोलाकार, स्फेरिकल मतलब गोलाकार या अंडाकार होती है। इसके प्रत्येक फाइबर में कुछ रंगीन एवं मोटे सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है भाई। इस तरीके का आप एक डायग्राम बना देंगे, ये देखिए सर, नॉस्टॉक के बारे में यहाँ पे बना हुआ है, आप आराम से बनाएं और उसे दिखाएं सर, ठीक है। ये देखिए सारी चीज, अब ये कैसे बना हुआ है इनके बारे में भी बताते हैं, जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई, ये देखो सर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसके फाइबर में सर्कुलर सेल्स होती हैं, इसके फाइबर में कैसी, फाइबर मतलब वही तंतु, ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं, जिनके चारों ओर क्लियर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये कैसी होती है, म्यूकोपेप्टाइड तथा म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। सेल्स में यानी दो एसिड्स होते हैं इसमें, ठीक है। सेल्स में क्या होता है, क्रोमोप्लाज्मा एवं सेंटर में सेंट्रोप्लाज्मा पाया जाता है, इनमें प्रोटीन एवं स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जबकि रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं सर, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, एक देखिए दूसरा डायग्राम आप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, तो आप आराम से वहां पे देख लेंगे क्या क्या चीजें इसमें पाई जाती हैं, कैसे कैसे होता है। ये देखिए सेल स्ट्रक्चर इसका बना हुआ, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, फाइबर्स होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वॉल होती है, ये इसकी सेल वॉल है, इसमें अंदर सारी चीजें प्लाज्मा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आप आराम से इसे पढ़ लेंगे सर, ठीक है। उसके बाद इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, बल्कि कौन सा होता है, नॉर्मल, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जब मैं आपको बताया था वर्धी जनन बोलते हैं सर, ठीक, जिसके निम्न मेथड्स हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है हेट्रोसिस्ट के द्वारा, अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया था हेट्रोसिस्ट बने हुए हैं। तो हेट्रोसिस्ट क्या करते हैं, देखो भैया नॉस्टॉक की कुछ जातियों में ये पाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये मोटी बॉल रखते हैं तथा नॉस्टॉक से अलग हो जाते हैं और नया पौधा बना लेते हैं, बस इतनी सी बात है सर, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, हार्मोगोन्स के द्वारा, कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेल्स के गलने से हेट्रोसिस्ट वाले स्थान से छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं हार्मोगोन्स कहते हैं, इतना कठिन यार शब्द है कि मुंह में फंस जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बार बार लिख के देखें, बोले ही नहीं, हार्मोगोन्स हार्मोगोन्स हार्मोगोन्स, जी हाँ हार्मोगोन्स, ऐसा करके बोल लिया करो यार थोड़ा, में कन्वर्ट होकर नए पौधे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद विखंडन के द्वारा हो जाता है सर, विखंडन क्या होता है, टूटना है सर, ठीक है, में कॉलोनी कई पार्ट में टूट जाती है और नई कॉलोनी प्रोड्यूस हो जाती है सर, ठीक है। उसके बाद एक होता है एंडोस्पोर के द्वारा, एंडोस्पोर क्या होता है, कुछ जातियों में जो हेट्रोसिस्ट होते हैं वो एंडोस्पोर्स में बढ़ जाते हैं, जिनकी वॉल पतली होने के कारण
क्या होती है, क्या बोलते हैं उसे, नहीं मुलायम टाइप हो जाती है और नए फाइबर गल जाती है और नए फाइबर प्रोड्यूस हो जाते हैं। और आखिरी होता है एकाइनेट के द्वारा कंडीशंस के अकॉर्डिंग ना होने पर हेटरोसिस्ट के पास फिलामेंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक सेल वही अपना, ठीक है, ये सारी चीजें बनाती हैं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही फाइबर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, फाइबर अलग होंगे और चीजें आपकी बन जाएंगी। तो ये पूरी पीडीएफ सर, ठीक है, ये सारी चीजें मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है चीजों को छांटने में, हम बार बार एक बार कहते हैं, ये कहीं किसी के कॉपी नोट्स नहीं है कि किसी का उठा लाए। ठीक है, प्रॉपर खुद बैठ के सारी चीज़ें रिसर्च करके, कुछ गूगल का सहारा लिया गया है, कुछ मॉडल का सहारा लिया गया है, कुछ किताबों का सहारा लिया गया है, और तब जाके प्रॉपर ये नोट्स आपके पास पहुंच रहे हैं। तो इसे केवल आपको मन लगा के पढ़ना है सर। ठीक है, सारे नोट्स को खुद बनाइए, 4 से 5 बार इसे पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए क्या दिक्कत आ रही, उस पर गोला बनाए, उसे गूगल पर सर्च करिए, उसके बारे में पढ़िए यार। कि मान लिया आपने देखा यार जो एलगी क्या होता है, एलगी एलगी नहीं याद हो रहा है, तो क्या किया, एलगी गूगल पर सर्च किया, देखा यार एलगी सहवाल होता, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ी, याद आया यार ये तो बचपन में हम जानते थे, मैडम हमारी कहती थी काई वही एलगी होती है यार। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, लेकिन आपको क्या है, सारे नोट्स आप तक पहुंचाने हैं। तो कुल मिला के ये सारे नोट्स हम आपको पढ़ के बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके अलावा डायग्राम वगैरह सब लगे हुए हैं, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम बी डिग्री इन बीएससी पे। आज टोटल 3 वीडियोस पब्लिक की जा रही हैं, बहुत मेहनत की गई है, पूरे दिन आज हमने लगभग बीच बीच में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन कोशिश रहती है आप तक चीज़ें पहुँचाने की। तो यार इस मेहनत को कामयाब कर दो अगर आप मन लगा के पढ़ लेते हो तो, बस इतना ही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आपसे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मन करे तो, बाकी टेलीग्राम पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।